छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को कवर्धा के नागरिकों का बुलावा आया है। दरअसल वे मामले पर सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। टीएस सिंहदेव ने मामले को लेकर कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में सरकार पूरी तरह फेल है और जनता का विश्वास नहीं जीत पा रही है। मेरे पास नागरिकों की खबर आई, ऐसा संदेश आया कि लोगों के मन में था कि मैं भी वहां जाऊं, और लोग पहले भी जा चुके हैं, कांग्रेस के भी लोग जा चुके हैं, सत्ता पक्ष के भी लोग जा चुके हैं, लेकिन मेरे पास भी संदेश आया कि नहीं बाबा, मुझे लगा कि अगर लोग बुला रहे हैं तो कुछ उनके मन में होगा, उनकी बात सुननी चाहिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर के सिविल लाइन स्थित अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ के स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की थीम सॉन्ग को लॉन्च किया। स्वच्छता परमो धर्म को रेखांकित करते हुए लोगों को स्वच्छता और इसमें जनभागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूक किया गया है। शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने राज्य के सभी नगरीय निकायों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि अभी भारत सरकार के निर्देश पर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, और इसका थीम जो हमने दिया है वो है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। ये हमारे देश की परंपरा में स्वच्छता का हमेशा से संस्कार रहा है, चाहे रसोई घर में आने का हो, घर में आने का हो, ये स्वच्छता का संस्कार, ये हमारी पुरातन परंपरा का संस्कार रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के रविशंकर सागर बांध गंगरेल में आगामी 5 और 6 अक्टूबर को जल और पर्यावरण संरक्षण के तहत जल जगार कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके लिए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जिले और प्रदेश के सभी लोगों को कार्यक्रम में सहभागिता करने की अपील की है। टंकराम वर्मा, आप सबसे अपील करता हूं कि धमतरी जिले के रविशंकर सागर बांध गंगरेल में जल एवं पर्यावरण के संरक्षण के तहत जल जगार कार्यक्रम 5 एवं 6 अक्टूबर 2024 को आयोजित है। जल संरक्षण के इस देशव्यापी कार्यक्रम में आप सभी अपना सहभागिता निभाएं, और इन 2 दिनों के अंदर खेल ओलंपिक, मैराथन दौड़, नवरात्रि मेला, कार्निवल, रुद्राभिषेक, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कबाड़ से जुगाड़, मानव वन में एडवेंचर्स सहित अनेक गतिविधियां। छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर है, जहां धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 17 बाइकों को जब्त किया है। चारमा पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आसपास के ग्रामीणों से ये आवेदन प्राप्त हुए थे कि उनको कुछ व्यक्ति हैं जो लुभावनी स्कीम बताकर मोटरसाइकिल फाइनेंस करवा कर उनसे मोटरसाइकिलें ले लिए हैं, और किस्त जो है वो भी नहीं दे रहे हैं, ना ही मोटरसाइकिल उनको वापस कर रहे हैं। इस तारतम्य में पुलिस द्वारा अलग अलग प्रार्थियों पे से आवेदन लेकर 4 FIR पंजीबद्ध की गई हैं, जिस पर हम लोगों ने 2 आरोपियों को उसमें उठाया है, जिनसे पूछताछ में ये पता चला कि वो इनको स्कीम इस तरह लुभावनी स्कीम देने के पश्चात अलग अलग फाइनेंस कंपनियों में शोरूमों में ले जाकर उनके नाम पर गाड़ियाँ फाइनेंस कराते थे, और उनको ये बताते थे, जैसे किसी को ये बताते थे कि मेरा भाई आर्मी में है, या अन्य कई तरीकों से उनको बताते थे, और ये जो है आप अपने नाम से ले लो, मेरा जो है क्रेडिट जो है बैंक में ठीक नहीं है, तो आप जो अपने। शुरू करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। जी का बयान से मैं ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन ये कानून का काम है, कानून को अपना काम करना चाहिए, कड़ाई से करना चाहिए, लेकिन अगर
प्रदीप मिश्रा जी का बयान अगर इस तरह से आ रहा है, मतलब समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ में कि यहाँ की सरकार की क्या स्थिति है, कथावाचक का काम क्या है। कथावाचक का काम है अपना कथा सुनाना। अगर कथावाचक अगर कानून की बात अगर करने लग जाए, मतलब छत्तीसगढ़ में बाहर से कोई विद्वान भी अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं, बल्कि यहाँ अपराधियों का राज है, अपराध का राज है। इस सरकार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जगमाल चौक के पास स्थित एक पटाखे की दुकान में आग लग गई, जिससे एक मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिस दुकान में आग लगी उसके बगल में ही एक्सिस बैंक भी है। आग की लपटों को देख लोग बैंक से बाहर निकले। वहीं सूचना के बाद पुलिस और दमकल टीमें मौके पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर में बदमाशों ने स्कूल का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने स्कूल से बच्चों के खिलौने का सामान समेत अन्य सामान चोरी कर लिए। आपको बता दें, साथ ही कई सामान को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं शिक्षकों ने थाने में इसकी शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मतलब असामाजिक तत्व जो भी है, मतलब घुसे हैं और स्कूल जलाया गया, टेबल क्लॉथ उठा के मतलब ले रहे हैं, और इधर आपका ये क्या बोलते हैं, बच्चों के खेलने के बॉल वॉल है, जो सहायक सामग्री आदि, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को मतलब दे रहे हैं और आग आग भी जलाए हैं। खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां पर चार पत्रकारों को साजिश रचते हुए गांजा तस्करी करने के फर्जी आरोप में जेल भेजा गया, जिसके बाद जिले के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सुकमा में हमारे जो पत्रकार साथी थे, चार लोगों को वहां के जो स्थानीय टीआई जो है, वो आंध्रा के कुछ पुलिस और कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है फर्जी गांजा केस में उनके खिलाफ में मामला बनाए थे। उसको लेकर जो है बस्तर जो पत्रकार के सभी साथी हैं वो आंदोलन किए। उसी आंदोलन के तहत पूरा पत्रकार जो है हमारे साथी यह मांग करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कि इस मामले की जो है सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच के तहत जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ओरछा विकास खंड के ग्राम बिरुल लेयर निवासी ग्रामीण के राम बांस ने बनाए घेरे पर काम कर रहे थे, वहीं एक बल्ली पेट में गड़ने से हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव तक पहुंचने सड़क और नदी नाले पर पुल नहीं होने से संजीवनी नहीं पहुंच सकती थी। फिर ग्रामीणों ने खाट में घायल को लेटाया और रस्सी व बल्ली के सहारे कंधे में लादा। रास्ते में दुर्गम जंगल, पहाड़ के अलावा उफनते नदी नाले थे। बिना रुके 15 किलोमीटर पैदल सफर कर गट्टाकल पहुंचे, जहां पहुंचते ही सरपंच पीलूराम उसेंडी और उपसरपंच रामनाथ ने संपर्क करने पर ट्रैक्टर का इंतजाम कर घायल को संबलपुर पहुंचाया। यहां से संजीवनी से स्वास्थ्य केंद्र कोयली बेड़ा पहुंचाया। समय पर इलाज मिलने से जान बच गई।